नमस्कार फ्रेंड, इंडियन शेफ में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मटर के छोले। ये जो हमने मटर लिया है, पहले से हमने इसको भिगो लिया है। 3 घंटा पहले इसको हमने भिगो के लिया है और अच्छे से धो के साफ कर लिया है मटर को। और इसमें हमने आलू ले लिया है 2 बड़े साइज का, इसको भी हमने छील कर धो के कट कर लिया है। साथ में डाल देंगे कुकर में, हमें इसमें पानी डालेंगे। छोले भी कहते हैं, चाट भी कहते हैं इसको लोग, और इसको आलू के टिक्की के साथ भी आप इसको बना के खा सकते हो, जो हम मटर का आलू का छोले या चाट बना रहे हैं। गैस को हम जला लेंगे, एक कुकर को हम चढ़ा देंगे। 1/2 टेबल स्पून हल्दी डाल दे रहे हैं, 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे और हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा लेंगे। गैस को हम तेज करके ही रख रहे हैं यहाँ पर, और 2 सीटी आने तक हम इसको पका लेंगे। यहाँ पर कुकर में सीटी आ गई है 2। कुकर के हम उस साइड रख देते हैं, जब तक कुकर ठंडा होता है तब तक तड़का लगा लेते हैं। गैस को जला लेंगे। यहाँ पर हम पतीले में बना रहे हैं, सरसों का तेल डालेंगे। यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून सरसों का तेल ले लिया है। तड़के में 1/2 टेबल स्पून जीरा डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून मेथी, 2 तेज पत्ता, 2 साबुत ए हम डाल रहे हैं लाल मिर्च, 1 बड़ी वाली इलायची, 2 छोटी इलायची हमने डाल दिया है, 2-3 अंडा काली मिर्च है, 3 लौंग है। थोड़ा सा तड़कने देंगे इसको। यहाँ पे हमने 3 प्याज कट कर लिया है, धो लिया था, धो के छील के और इसको हम कट कर लिए हैं। तड़के के अंदर डाल देंगे प्याज को, चला लेंगे प्याज को, सॉफ्ट होने तक इसको 2 मिनट तक हम भूनेंगे प्याज को। यहाँ पर 3 हमने टमाटर ले लिया है कट करके, ये भी हम डाल देंगे प्याज के अंदर, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। 1 पिंच हींग डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 1 इंच अदरक कट करके ले लिया, 2 हरी मिर्च ले लिया, 4 कली लहसुन, इसको हम कूट लेंगे। इसका हम कूट के पेस्ट बना लेंगे अच्छे से। छोले में कूट के लेने से इसका टेस्ट ही कुछ और आता है। यहाँ पर मेरा कुकर ठंडा हो गया है, खोल लेते हैं कुकर को, चेक कर लेते हैं। छोले मेरे अच्छे से बॉयल हो गए हैं, इसे हमें मैश करने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अच्छा से बॉयल हुआ है मेरा छोला ये। अब हमें टमाटर प्याज के अंदर 1 चम्मच और नमक डालेंगे कि जल्दी से हमारा ये टमाटर गल जाए। इसीलिए हम डाल रहे हैं, जल्दी से हमारा टमाटर सॉफ्ट होकर गल जाए। चला लेंगे 2 मिनट तक, इसको फिर भूनेंगे हम। साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट हम डाल देंगे इसके अंदर। यहाँ पर हमारे टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। 1/2 टेबल स्पून हल्दी डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, थोड़ा सा पानी डालेंगे मसाले के अंदर। अब मसालों को अच्छी तरह से हम भूनेंगे चलाते हुए। थोड़ा सा जीरा पाउडर भी और डाल लेंगे इस मसाले के अंदर। यहाँ पर मसाले मेरे भुन चुके हैं, जो हमारा है मसाला जो है तेल अलग छोड़ने लगा है और मसाले अलग होने लगे हैं, तो इसका मतलब कि मसाले हमारे भुन गए हैं। अब मसाले के अंदर हम जो हमारा बॉयल किया हुआ छोला है उसको हम डाल लेते हैं। छोले के अंदर हमने पानी भी डाल दिया। अब इसके अनुसार हम नमक डाल देंगे स्वादानुसार। 2 चम्मच पहले से हमने नमक लिया था, इसलिए हम देखकर ही नमक डालेंगे इसके अंदर। अब छोले को मैं बॉयल होने देती हूँ, 5 मिनट तक ढक कर पका लेते हैं छोले को। मटर का छोला हमारा पक गया है। यहाँ पर गैस को बंद कर लिया हमने। कुछ ऐसे बने हैं हमारे छोले, बाहर निकाल लेते हैं छोले को। छोले के मैं बाहर निकाल ली हूँ। आप यहाँ पर खट्टा में मैंने 4 टमाटर डाला है, आप यहाँ पर नींबू निचोड़ के भी ले सकते हो खट्टे में। अगर हमारी ये छोले की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।